हर दफा ईद पे यार आप लोग गंदा मंदा होके मिलता हूँ, तो मैंने कहा फॉर अ चेंज इस दफा ईद पे तैयार होके ही मिल लूँ। तो यार मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। टाइम अभी सुबह के 10 बज गए हैं तो कोई उठा नहीं है, लाइट भी अभी तक ऑन है, इसको मैं ही ऑफ करता हूँ। यार जिधर नया वाला घर बन रहा है ना, उधर चौकीदार को अभी खाना देने जा रहा हूँ, क्योंकि ईद के दिन ना सारे रेस्टोरेंट्स बंद होते हैं तो उधर वो खाना नहीं मिलता। खाने में यार मामा ने चिकन कढ़ाई दी है और ऊपर ये सेवइयां वगैरह लेके क्या आने। टाइम यार तकरीबन 11 बज गया, मुझे लग रहा था 10 बजे में। असल में ईद पे यार अब ज्यादा वो रेडीमेड चीजें होती है, तो मामा ने कहा कि आते हुए यार केक और सैंडविचेस वगैरह ले आना, वापस आके यार अपने बकरों से भी मिलवाता हूँ, वो उधर ऊपर बंदे हुए हैं। तो इस नोट पे स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अब यार रोड्स काफी साफ होती हैं, यार इधर एक्सीडेंट हो गया, पहले जब बकरा ईद होती थी ना तो तकरीबन हर रोड पे गंदी गंद उजड़ी वगैरह लोगों ने भाई रोड पे फेंकी होती थी। अभी भी लोग फेंकते होंगे लेकिन गवर्नमेंट अब आजकल इतनी वो रिस्पॉन्सिव हो गई है ना, जो गंद पड़ो साथ ही साफ कर देते हैं आके। ये चक्कर यहाँ वेस्ट डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, साथ साथ सफाई वगैरह करते जा रहे हैं, वो भी आगे वेस्ट डिपार्टमेंट का ट्रक जा रहा है। ये जो रोड के साथ व्हाइट व्हाइट चीज आपको नजर आ रही है ना, ये वेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने दवाइयाँ फेंकी हुई है की कोई कीड़े शीड़े जमा ही ना हो। तो डिस्पोजेबल ग्लास पड़ा है, हाँ जी खाली ग्लास मिल जाएगा, कितने का दे दें? 12 ग्लास दे दें। ग्लास यार मैंने ले लिया, अभी घर जाके बताऊंगा आपको इसका क्या करना है। घर चेक करें यार, आपके स्टेज तक पहुंच चुका है, डिजाइनिंग का काम काफी हद तक पूरा हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत अभी रह गया। ये प्लेट्स वगैरह लगने का काम थोड़ा सा इस तरफ बिल्डिंग के रहता है और थोड़ा सा बिल्डिंग के उस तरफ रहता है, और ये डिजाइनिंग का भी अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये वाली प्लेट्स हमारी बन के बस ऑलमोस्ट तैयार होती जा रही है, जब ये तकरीबन 20 एक और प्लेट्स तैयार हो जाएंगी ना तो फिर इसको बिल्डिंग के ऊपर चिपकाने शुरू हो जाएंगे। ये भी यार फ्रंट पे जो फूल के डिजाइन वाले हैं ना, कुछ कुछ जगह पे पूरा हो गया, मतलब ये जो है ना ये खाली अभी इन्होंने इधर बेस बनाई हुई है, तो इसके ऊपर हाथ से 3D ये बाद में बनाते हैं। जिस तरह ये 3D कंप्लीट हुआ हुआ है, इसके अलावा ये भी 3D बना के ना इसके ऊपर कंप्लीट किया हुआ है। बेसिस ऑलमोस्ट सारों की कंप्लीट है, बस तकरीबन एक एक दिन लगता है इसको हाथ से ये लोग बनाते हैं। कनाडा से आए हुए भी यार मुझे अभी खाली एक हफ्ता हुआ है, और एक हफ्ता आते ही साथ ही मैंने यार पूरे घर का ये व्हाइट वॉश करा दिया। पूरा घर हमारा काफी हद तक व्हाइट हो गया, कुछ कुछ जगह रह गई है, बाकी तकरीबन पूरा घर ऊपर से नीचे व्हाइट हो गया। टाइलें शाइलें भी आप देख सकते हैं कि आ गई हैं सारी। ये सीलिंग भी यार इधर सारी कंप्लीट हो चुकी है। ये जब पहले आखिरी दफा आप लोगों को मैं दिखाया था ना, तो ये जो डिजाइन बना हुआ है ना ये बिल्कुल इधर कोनों में चला गया था, तो वो नजर ही नहीं आता। फिर उधर से सीलिंग तोड़वा के इनको डिजाइन को आगे किए, अब ये नीचे से खड़े होकर आप देखे ना तो पूरा आपको स्क्वेयर नजर आता है इस रूम के साथ। चिकन सैंडविचेस ले लिए, चिकन कबाब वगैरह ले लिए, अभी उधर जाके केक वगैरह भी लूंगा, किटकैट वाला केक लिए। वैसे लोटस वाला भी अच्छा लग रहा है, लेकिन चलो सब किटकैट खाते हैं वही ले लेते। पकड़े यार ये अंदर दे दो चीजें। जब मैं घर से 11 बजे निकला था उस वक्त भी ये सो के नहीं उठी थी, तो अब ये तैयार हुई जाके। जी जी। ओ यार गाइस मेरा बकरा ये लोग अंदर ही आज ले आए, देखें इसकी अभी कुर्बानी करेंगे। लाल साहब बैठे हुए। हमारे घर जो है ना बकरा ईद छोटी ईद की तरह होती है, इधर सारा ऑनलाइन सिस्टम ही होता है, अभी थोड़ी देर तक गोश्त आ जाएगा, घर में कोई कुर्बानी शुरबानी नहीं। मैं ईदी अपनी कैश एक्सेप्ट करूंगा ऑनलाइन। अब वैसे क्या ईदी दे नहीं 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 बस कर बस कर बस कर बस कर यार इस दफा ट्रॉली सारी टेबल पे आ गई थे। समोसे हमारे पास, चिकन है, ये सेवइयां है, केक है, कबाब और नगेट्स वगैरह हैं, और ये दही बल्ले वगैरह। बस ठीक है यार, ये तूने अच्छा किया, इस दफा तूने सही अपने हिसाब से लिया, बस इसके बाद ना नहीं ये स्टार्टिंग में। मैं डाइटिंग पे हूँ तो मैं सिर्फ डाइट कोक पी रहा हूँ, इतना मुझे दिमाग ठीक नहीं लग रहा। एक लग हम बात कर रहे हो आप, लगता है मामा को अभी तक ईदी नहीं मिली। अभी मामा को ईदी मिलेगी तो मामा ने कहना चलो बस बिलाल अब जाओ ऊपर, मिल गई इधर क्या हो गया आपको, फिर बात करें। ये गाइस आप लोग चेक कर सकते हैं, गोश्त होंडा सिटी में आई है डिलीवरी। ये यार इधर हमारे बकरे की अनबॉक्सिंग हो रही है अंदर। ये यार पकड़ो वो बकरे का। अच्छा वो पाए हैं, मैंने कहा सर पड़ा हुआ है। गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे घर वाले तो मुझे कभी ईदी नहीं देते, लेकिन फिर भी इस दफा फिर ट्राई कर लेते हैं। शेख साहब इस दफा कोई ईदी दे दें तो अच्छा, तो मैंने मांगी नहीं तुम्हारा, तो मुझे पहले ही पता है तुमने नहीं देनी, को दोगे फिर मुझे मिलेगी ना, तो फाइनल नहीं देनी मुझे इस दफा। अभी तो नहीं देनी, जब हमें मिलेगी उसके बाद देखेंगे। इसका मतलब फिर से इनके साथ पहली वाली गेम करनी पड़ेगी। तो आर यू गाइस रेडी? गाइस इस दफा जो हमारी गेम है इसमें हमारे पास पहले की तरह हजारों रुपए के इनाम है, जिसके अंदर पूरी अमाउंट है आपके पास। क्या कर दिए मेरे पैसे, पहले ही शेख साहब चोरी कर चुके हैं, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता है कि स्कोर जा रहे हैं 2-1, मामा 2 है और सुंदर स्वाइन की लास्ट छोटी ईद पे जो थी ना वो सुंदर जीती थी। तो गाइस इस दफा जो हमारी गेम है
आ जाएं आप लोग भी, आ जाएं आ जाएं। इधर से आप लोगों ने थ्रो फेंकनी है और ये जो अंदर जाएगी, जिसके अंदर जाएगी ना आप लोगों की, वो चीज आपकी निकलेगी। ये आप खुद ही मैंने ये शफल किए हुए, इसमें डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं, इनको एक एक करके आप लोग खुद उसके अंदर डाल दें। गाइस मैंने पीछे पॉइंट टेबल भी इस दफा बना के रखा हुआ। लास्ट दफा हम खुद ही पैसों का हिसाब भूल गए थे, जीती तो सुंदर थी लेकिन पैसों का हिसाब भूल गए थे, कौन ज्यादा जीता कौन कम जीता। इस दफा कोई दो नंबर ही नहीं होगी, दो नंबर की थी पिछली दफा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ओ मामा जी थी अब नहीं, जो उनकी मर्जी है वो करेंगी या तुम करोगे। सुंदर तुम्हारे पास जो है ना दो चांसेस हैं पहली दफा में, अगर कोई एक अंदर चला गया तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा बॉल मिलेगी, वो बॉल आप उसको पकड़ा दें। ओ गाइस ये पहला 5,000 सुंदर जीत चुकी है। ओ मजा नहीं आया, पहले मिर्ची निकलनी चाहिए थी, पैसे बाद में निकलने चाहिए थे। मामा मुझे तो लग रहा है बाकी। अब गाइस ये वाला ग्लास हमारा साइड पे भाई खत्म हो गया और अब हमारे पास 11 ग्लासेस रह गए। 11 में अब आपके पास टोटल हमारे पास 30,000 रुपए थे, उसमें से 25,000 रुपए रह गए। रुक जाए गाइस, तुमने एक बारी वो की थी, तुम्हें एक ट्रेंड और मिलती है इसके बाद। देखो देखो जी, दो नंबरी करने की कोशिश की थी लेकिन भाई ये आपका भाई चेक्स लॉग जो है ना, ऐसी दो नंबरियां कभी नहीं होने देता। ओ सारे मिलके के ओ, अब मामा का अगला राउंड आ गया। ओ मामा ये देख सकते हैं यार, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं चीटिंग थोड़ा सा और वो बोला पैर पीछे। हाँ आप ठीक हो गए, आप ठीक हो गए। मैं तो कह रहा हूँ बाउंस करके आप फेंके वो ज्यादा बेहतर है। आए हाय चले उड़ा के फेंक ले आप। गाइस वैसे ये समझने की बात है कि गेम बड़ी टेक्निकल है, अगर इसको उड़ा के हम फेंके ना इसमें तो ये ग्लास गिर जाते हैं, इसको आपको बाउंस करके फेंकना पड़ेगा। देखो आपको ये पहले बताना चाहिए था, मेरे दो बार ही तो क्या पता उसकी मिर्ची निकल आती। ये देखते हैं गाइस अब मामा का क्या निकलता है। ओए 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 नहीं 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 चलो उसे मिर्ची से तो बेहतर था। वाह जी वाह, वाह जी वाह, कमाल ही कर दिया इस दफा, दिखाएं हमें भी। लिखो ना जाके अपनी दफा तो भाग के लिखा है। लेकिन मामा बात अभी तक ये है कि आपको दो चांसेस और मिल गए। ये क्या कर रही है, और ये मेरे ख्याल से बार बार ग्लास छेड़ रही है इस वजह से जीत रही है। उसी तरह कर रही है, ये क्या कर रही है, तो एक जैसे आपने क्या करना है, आप अपनी बारी कंप्लीट करें, आप ये छेड़ नहीं सकती। क्या पता खाली जीरो ही हो अंदर। मैं तो टूट गया, बिल्कुल मजा नहीं आया इसका यार। यार गाइस ये क्या हो गया, 15,000 मतलब सुंदर ये गेम अब हार नहीं सकती क्योंकि अंदर टोटल पड़े हुए 30,000 रुपए, सुंदर 50% ले गई है। क्या लिखा हुआ है, चॉकलेट। चले नॉट बैड, चले खाए चॉकलेट खा लिए। अरे अच्छा करें अरेंज आप। मामा मैं तो कह रहा हूँ अभी 6 में से किसी एक में 7,500 रुपए पड़े हैं, किसी एक में 2,500 भी हैं, कुछ भी हो सकता है। और चेक साहब तुसी करो यार बारी करो। ओह और इसके बाद रह गए सिर्फ 7,500 रुपए, जो मामा अगर काट दे तो 7,500 रुपए इक्वल हो सकती है। ये मेरी पहली बारी थी कि दूसरी थी। पहली बारी थी, अब आपके पास दो बारियां और हैं शेख साहब। आज ही आपको माल काट दिए, 15,000 रुपए सुंदर का और 7,500 रुपए मामा, अंदर 7,500 रुपए और पड़े हुए, अगर मामा निकाल लें दो बारी हैं। आज ही वाह भाई साहब, ये मानने वाली बात नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं, इसमें कुछ और निकले। निकाल के देखे ना क्या क्या निकला हुआ है। इधर 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 मिर्ची, 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 एक
ये नहीं, अगर पैसों की करनी है तो करें सही। ओए ओए यार है वैसे बड़ी तेज, इधर तक तीखी स्मेल आ रही है, लेकिन हमारा क्या, एक वाइट तो लेनी पड़ेगी, चल एक वाइट लेनी पड़ेगी। साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। कोई नहीं गाइस, ये है तो माँ दुनिया में यही लेके आई है, तो चलो उनके लिए हमको ही ना कोई कुर्बानी तो देनी पड़ती है, हम ये दे देते हैं। वाह जी वाह 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 वाह, मामा मान गए आपको, पैसे तो लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं इसमें, 7,500 रुपये लग रहे हैं, 7,500 रुपये लग रहे हैं, मुझे तो लग रहा है। ओ ये क्या लिखा है, ओ जी सिद्धार्थ नहीं 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 ना करो सिद्धार्थ, नहीं यार सिद्धार्थ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिटर्न द ईदी, मतलब पैसा सारा वापस होगा भाई, नहीं नहीं उधर नहीं आएगा, इतना भी नहीं होगा, ये वापस इनमें से ही किसी में चला जाएगा, वो हट जाएगा। वो देखो यार गाइस, अब तो कोई चीटिंग नहीं हो रही, ये 5,000 भी है इसमें, 2,500 भी है, अपनी मर्जी से मैं करके ना किसी में भी डाल देता। उधर देखो उधर देखो उधर देखो, हाँ इधर इधर किसी ने नहीं देखना, ये इसमें चले गए, ये इसमें चले गए, और ये बाकी दो पर्चियाँ इसमें चलेगी, सारी मैंने मिक्सअप कर दी हैं, अब इसमें पता नहीं क्या किस में है क्या किस में। ये 2500 पॉइंट है, इतनी मुश्किल से ऊपर से काटा, ये इसने बात गलत कर दी इधर, ये तुमने दो नंबर किए, अब आपकी एक बारी है, दो बारियां रहेगी, दो ही दे दो, मेरी तो भी चलेगी। चले क्या दे दें, दो बारियां चले लो, लेकिन अभी भी इसमें 15,000 है, क्योंकि पैसे जो वापस डाल दिए इसमें। लिखो मेरी माँ का पैसा वापस लिखो, 5,000 यार, ये देखिए अपना 10,000 कितना बड़ा लिखा है, तो वो आज तक बात चुप करो मामा, आपकी दो बारियां और हैं, चलें करें, मेरी दो बारियां हैं अभी, करें आप। वाच वाच, 1 रुपये भेजे मामा, ओए हो, सोच समझ के इस दफा हो जाएगा, ओए चलो ये दे देते हैं, सही बात है, नहीं 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 सही बात है, सही बात है, कर ले ले आप, डाल के निकला, ले 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 ले, ये क्या लिखा, वाह जी वाह, दूसरे में मामा ड्रॉ की तरफ जाती जा रही है, ड्रॉ की तरफ जाती जा, ले गए जी ले गए, 7,500 रुपये लिख दो जी लिख दो, क्या मामा ने कम बैक मारा, बड़ा 1,500 इस दफा मामा के कम बैक की तो तारीफ करनी पड़ेगी, जो मामा ने काम कर दिया, ड्रॉ हुआ है, मामा जीती नहीं है, एक तरह से जीती हूँ, लेकिन यार गाइज ईद का एंड तो कुछ इस तरह होना चाहिए कि दोनों में से कोई एक विनर तो होना चाहिए, ये बात मामा ने ठीक है यार, लालच इंसान के अंदर से जाना ना बड़ा मुश्किल काम है, लालच। चलो जी आप लोगों के लिए एक नोट 5,500 रुपये का, सीधा 5,000 रुपये का नोट डाले, आ जाओ जी वापस भुगो, एक कंजूसी ना करें ना बस जीतने के लिए, चले भुगो भुगो जी भुगो, जो पुगम जीतेगा उसको बारी मिलेगी, जिसको मिलेगा क्या, वो देखो चीटिंग कर रही है कि मैं किसी तरह जीत जाऊं, तो वो आज तक फर्स्ट, सुन दे तुम कितनी बड़ी चीटर हो, ओ यार ये क्या हो गया, लिखो जी उधर 5,000 रुपये और, नहीं 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 गाइस ये नहीं होना चाहिए था, बकरा ईद की विनर है हमारे पास सुंदर, और मामा के लिए हम सब कहेंगे ओ।
गाइस यार आप लोग मेरा खाना चेक कर सकते हैं यार, ओट्स है और थोड़ा सा दूध है बस। उसमें से कुछ खाओ तो मजे की चीजें हैं यार, मजे की तो बनी हुई है लेकिन इस ईद पे मैंने पक्का किया हुआ है कि यार कोई फ्राइड खाना नहीं खाना। दे मुझे भी, नहीं मेरे तो बात किशमिश है। ये क्या है? ईदी। आपको भी बस अगली दफा फिर यही ईदी दूंगा मैं भी। अभी जा रहा हूँ बिलाला जी की तरफ। हाँ बच्चू इतनी कोई जरूरत नहीं थी जितना तूने कर लिया, ये तूने मेरे लिए बंदोबस्त वैसे पूरा करके रखा है। गाइस यार मैं चेक करवा लेता हूँ, इतनी इसको जहमत की जरूरत तो नहीं थी लेकिन यार आप लोग पूरा टेबल देख सकते हैं, इसने मेरे लिए सजा दिया कि यार शेख साहब आयो तो खाना खा के ही जाना। ओए बस कर, ओए बस कर, इधर आई दी तू। हैप्पी एंड बिलाल दिखा, बिलाल हैप्पी इधर दे, हैप्पी एंड बिलाल यार इधर दे मेरी दीदी। हां दू एक ही तो बंदा ही दी देता है ना। तू क्या कर रहा है, क्या कर मेरी दीदी दे। हैं ये क्या ईदी, दो छोड़ो मुझे, दस हजार किधर, दो ईदी ईदी दो, फायदा कोई नहीं यार। गाइस बड़ी बहन का भी कोई फायदा नहीं है जिंदगी में। लुलू गिव मी ईदी। ये भी अपनी माँ की तरह कसम से हाथ में कहेगी भी दस हजार दे के चली गई। बाहर देखें गाइस यार कितना अंधेरा हुआ है अभी। यार हम सब लोग नीचे जा रहे हैं क्योंकि नीचे हमारे घर खाना है, जो हमारी फैमिली है ना वो नीचे आएगी, उधर हम लोगों का खाना है। खाना शाना हमारा सारा खत्म हो गया, बस अभी बैठ के प्लान बना रहे हैं कि हो सकता है कल हम लोग कलाम चले जाएँ, या हो सकता है हम लोग सवाद चले जाएँ, या हो सकता है कि हम लोग कुछ ना जाएँ। तुम्हारा क्या वोट है, सवाद जाएँ या कहीं नहीं जा रहे? इधर ये सेठी और इना भी बैठ के प्लान बना रहे हैं, इनका मतलब है कलाम चले जाएं। तो इस नोट पे हम एंड करते हैं आज का व्लॉग। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके यार आप ये टेबल शेबल साफ कर। मामा लगता है बड़ी उदास बैठी हैं। ओहो मेरा तो काम करने को दिल ही नहीं कर रहा। मेरा भी दिल नहीं कर रहा।